हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल जॉब फॉर यू में स्वागत है। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, वो है राजस्थान कोर्ट में भर्ती। ये डिस्ट्रिक्ट जज की भर्ती है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस क्या चाहिए, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन है 5 जनवरी का। कंपिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जो इसके लिए फिलअप किए जाएंगे। पे स्केल जो रहेगा वो 51,550 से 63,070 रहेगा। जो भी अदर अलाउंसेस वगैरह है वो दिए जाएंगे। पर्टिकुलर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस, वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60 है, करंट वैकेंसीज है ये ईयर की। और जनरल की क्या रहेगी वो उसके बारे में 23 रहेगी, इसके आउट ऑफ विच 6 है जो वोमेन के लिए है डिसाइड है, और आउट ऑफ 6 पोस्ट 1 है जो विडो के लिए है। एससी एसटी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एमबीसी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो हैंडीकेप है उनके लिए जो रहेगी वो 3 पोस्ट रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2 बैकलॉग की है, 4 वैकेंसीज 18-19 की, बैकलॉग 16-17 की 2 वैकेंसीज है, बैकलॉग वैकेंसीज 15-16 की 9 वैकेंसीज है। इसके बारे में अब ये जो और आउट ऑफ 3 पोस्ट रिजर्व फॉर पर्संस बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बारे में जो नोट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी फॉर विच फर्दर नोटिफिकेशन, की वैकेंसीज है जो कम ज्यादा हो सकती है तो उसके लिए जो साइट पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ये डिटेल जानकारी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ये फॉर्म जो अप्लाई होंगे राजस्थान हाईकोर्ट www.hcraj.nic.in पे होंगे। रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर वोमेन इंक्लूडिंग विडोज एंड डाइवोर्सी एंड पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये डिटेल है जो जरूर पढ़ लीजिएगा। हैंडीकेप कैंडिडेट्स और विडोज वोमेन के लिए है, विडोज डाइवोर्स वोमेन। कैंडिडेट शैल हैव द सबमिट प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अफिक्स विद पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एट द स्पेसिफाइड प्लेस अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हेन एवर डायरेक्टेड टू द सेम। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके रेडी रहने चाहिए जो डिटेल्स नीचे दी गई है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके जो पढ़ लीजिएगा। एज है, एज लिमिट जो क्या रहेगी उसके लिए लिखा गया है कि एज 35 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 45 ईयर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। प्रोवाइडेड द अपर एज लिमिट मेंशन अबव शैल बी रिलैक्स बाय 5 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी कास्ट और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड वोमेन कैंडिडेट्स, उसके लिए क्या है 5 ईयर्स के लिए रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर लेंथ एक्चुअल प्रैक्टिस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ 10 जजमेंट्स। और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, ये डिटेल जानकारी है जो आप पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस जो रहेगी वो
1100 रहेगी, 1100 रुपये रहेगी। वो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 550। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स जो रहने वाली है, फॉर्म है जो अप्लाई कब से कब तक होंगी। फॉर्म 1 PM 27 जनवरी टू 27 फरवरी तक अप्लाई होंगे ये फॉर्म। एडमिट कार्ड के लिए आपको टाइम दिया गया है। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ जहाँ एग्जाम होंगे उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया गया। किसी के बारे में जानकारी लेनी हो तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एनेक्सर है, करेक्टर एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका नोटिफिकेशंस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के लिए राजस्थान में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।